दोस्तों, यह 100 वाट का बल्ब है। आज मैं आपको इस वीडियो पर 100 वाट के इस बल्ब को फ्लैश करके दिखाऊंगा आप किस प्रकार से एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक रनिंग सर्किट बना सकते हैं, जिससे कि आप इस 100 वाट के बल्ब को भी आप ब्लिंक कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इस 100 वाट के बल्ब को फ्लैशिंग ब्लिंकिंग किस प्रकार से करेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम एक ट्रैक लेंगे और यह जो ट्रैक है, तो मैं दोस्तों आपको इसका नंबर भी नज़दीक से दिखाता हूं। आप इसका नंबर देख सकते हैं, इस ट्रैक का नंबर है BT136। इसके अलावा आपको एक मल्टी कलर LED लेना है। आप देख सकते हैं मेरे पास यह एक RGB LED है। इसके बाद दोस्तों हमें 2K का एक रेजिस्टेंस लेना है। मेरे पास फ़िलहाल 2K का रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने 1K का दो रेजिस्टेंस लेकर इसे सीरीज में जोड़ दिया है, जिससे कि इसका जो वैल्यू है 2K हो गया है, 2 किलो ओम हो चुका है। तो आपको दोस्तों एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी लेना है। इसके अलावा आपको एक 5 वोल्ट का एडाप्टर लेना है। आप 5 वोल्ट का जो मोबाइल चार्जर है उसे भी आप ले सकते हैं। नंबर भी नज़दीक से दिखाता हूँ, आप इसका नंबर देख सकते हैं, इस ट्रैक का नंबर है BT136। इसके अलावा आपको एक मल्टी कलर LED लेना है। आप देख सकते हैं मेरे पास यह एक RGB LED है। इसके बाद दोस्तों हमें 2 किलो ओम का 2K का एक रेजिस्टेंस लेना है। मेरे पास फ़िलहाल 2K का रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने 1K का दो रेजिस्टेंस लेकर इसे सीरीज में जोड़ दिया है, जिससे कि इसका जो वैल्यू है 2K हो गया है, 2 किलो ओम हो चुका है। तो आपको दोस्तों एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी लेना है। इसके अलावा आपको एक 5 वोल्ट का एडाप्टर लेना है। आप 5 वोल्ट का जो मोबाइल चार्जर है उसे भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों आप इस सर्किट को बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में बना सकते हैं। यह जो आपका सर्किट है दिवाली के समय में आपको दोस्तों काम आ सकता है। अब सबसे पहले आपको इस 100 वाट के बल्ब को लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रैक लेना है और ट्रैक का ये जो बीच वाला पिन है, आपको इस बल्ब के किसी भी एक पॉइंट के साथ में आपको सोल्डरिंग करना है। आप इस प्रकार से इस बल्ब के किसी भी एक पॉइंट के साथ में इस ट्रैक का जो बीच वाला पिन है आपको जोड़ देना है, सोल्डरिंग कर देना है। अब दोस्तों आपको इसके बाद एक मेन पावर लीड भी लेना है और अब आपको इस मेन लीड का एक वायर आपको इस बल्ब के दूसरे वाले पॉइंट के साथ में इस प्रकार से सोल्डरिंग कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो ट्रैक का फर्स्ट वाला पिन है, आपको इस वायर का दूसरा वाला ये जो पॉइंट है आपको इस पर सोल्डरिंग कर देना है इस प्रकार से। आपको दोस्तों इस प्रकार से इसका कनेक्शन इस बल्ब पर कर लेना है। अब आपको लेना है इस RGB LED को। दोस्तों यह इसका जो पिन है जो कि मुड़ा हुआ है, यह नेगेटिव है और यह इसका पॉजिटिव वाला पिन है। तो आपको दोस्तों इसका जो नेगेटिव वाला पिन है, आपको इस ट्रैक के इस तीसरे वाले पिन के साथ में आपको इस LED का नेगेटिव वाला जो पॉइंट है आपको सोल्डरिंग करना है।
इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको 2K का रेजिस्टेंस लेना है और आपको इस RGB LED के इस पॉजिटिव वाले पिन के साथ में आपको इस 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस को आपको सोल्डिंग करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको इस LED के पॉजिटिव वाले पिन के साथ में आपको 2K का रेजिस्टेंस आपको लगा देना है। अब दोस्तों आपको लेना है 5 वोल्ट का एडाप्टर और इस 5 वोल्ट का जो रेड वाला वायर है, जो पॉजिटिव वाला सप्लाई है, आपको इस रेजिस्टेंस में इसके दूसरे पॉइंट पर आपको सोल्डिंग कर देना है। हम दोस्तों इस प्रकार से इसे सोल्डिंग कर देंगे। इसके बाद आपको इस एडाप्टर का जो निगेटिव वाला जो ग्राउंड वाला वायर है, आपको इस ट्रैक के फर्स्ट वाले पिन के साथ में आपको जोड़ देना है। तो हम दोस्तों इसे इस ट्रैक के फर्स्ट वाले पिन के साथ में इस प्रकार से सोल्डिंग कर देंगे। अब दोस्तों हमारा सिंपल सा जो फ्लैशिंग सर्किट है तैयार हो चुका है। अब दोस्तों यह जो 100 वाट का बल्ब है यह फ्लैश करेगा। अगर आपके पास कोई भी सिंपल झालर है, अगर दोस्तों वह फ्लैश नहीं कर रहा है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो आप इस बल्ब की जगह पर उसे भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूँ कि यह काम किस प्रकार से करता है। सबसे पहले हम इस एडाप्टर के इसे बोर्ड पर लगा देते हैं। अब दोस्तों मैं इसे आपको चालू करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो यह LED इस पर लगा हुआ है, यह हमारा ब्लिंक कर रहा है। अब दोस्तों मैं इसे इसका जो मेन पावर लीड है इसे मैं यहाँ सप्लाई दूंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो 100 वाट का बल्ब है यह फ्लैश कर रहा है, रनिंग कर रहा है। आप इस प्रकार से दिवाली के समय में आप दोस्तों 100 वाट के बल्ब को इस प्रकार से रनिंग कर सकते हैं, फ्लैश करके चला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।